नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकम टैक्स गोलंबड़ पे, जहाँ की काफ़ी रिक्शे वाले भाई लोग खड़े हैं। तो इनसे जानेंगे कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पे होगा। तो आइए जानते हैं। भैया, आपका नाम? नवल पासवान। तो नवल जी, इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार ही क्यों? आप नया चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते? नहीं, बहुत ऐसा एक एक चुटकुला दिखा, एक एक काम किए जो सब दुनिया का खुश है, लेकिन हम ना खुश होने वाला नहीं रहने दीजिए। लेकिन हमको लिए तो बहुत अच्छा काम किए हैं। आपके लिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। आप फिर से 5 साल नीतीश कुमार को देना चाहेंगे? हाँ, पक्का गारंटी है। जो लालू जी के बेटे क्यों नहीं, वो भी खड़े हो रहे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान है, पप्पू यादव उम्मीदवार हैं, आप उन्हें क्यों नहीं देखना चाहते? 1200 साल से उन लोग चल रहे हैं, आज से ना, बहुत दिन से चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिए उन लोग। कुछ भी नहीं। कुमार 15 साल के कार्यकाल में क्या विकास का कार्य किए? पूरा देख रहे हैं ना, पूरा दुनिया चमका दी। आप नीतीश कुमार से संतुष्ट हैं? हाँ, पक्का, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। तो इस बार भी नीतीश कुमार? पक्का होना चाहिए। आप अपना वोट नीतीश कुमार को देंगे? पक्का देंगे, हमारा पूरा फैमिली देंगे नीतीश कुमार। हाँ, वैसा होना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को कम्प्लीट करे। अभी लॉ एंड ऑर्डर बिहार में है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रखे। ओ हाँ, यंगस्टर को तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। यूथ चेहरा? यस। तो यूथ चेहरा में चिराग पासवान जी हो गए, लालू यादव पे बेटा तेजस्वी यादव। एनी यंग पर्सन हु इज एक्टिवेटेड एंड कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, दैट्स ऑल, रोड कम्युनिकेशंस, हु स्टॉप द क्राइम्स। तो ऐसा आपको लगता है कि अगर यूथ चेहरा आ जाएगा तो ये सब पे कंट्रोल? बिल्कुल करेगा। यंग चेहरा आएगा तो बिल्कुल करेगा, कोई नहीं। आप इस बार नया चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, यस। आप क्या चाहते हैं, इस बार बिहार का कौन बने मुख्यमंत्री? अभी नया सरकार बनेगा, अभी मुख्यमंत्री नया सरकार, आप नया चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, उम्मीद। इसलिए नीतीश कुमार को 15 साल थे, खाली पुल नजर आ रहा और रोड नजर आ रहा और कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं, कुछ नहीं हुआ। न विधायक जा रहा मोहल्ला में, न कोई MP जा रहा, मुखिया चोर, सब चोरे चोर है, सब चोर, सारा चोर है। तो इस बार अभी देखिए कि 100 रुपया भोरे से नहीं कमाए, 100 रुपया भोरे से नहीं कमाए, 50 रुपया जमा देना है, पेट भरेगा 50 रुपया? तो यही तो सरकार है। ऐसा लॉकडाउन कभी जिंदगी में नहीं हुआ, 65 साल उम्र हो गया, 1976 से रिक्शा चला रहे, 4 आना भाड़ा था उस समय से हम चला रहे हैं, उस समय खुशियाल थे, हवा खोल के आ तब सोते थे, फिर हवा भर के चलाते थे, इसलिए कि बसिंदर तंग करता था। अभी कोई पूछ नहीं भी रहा कैसा सरकार आ गया, इसलिए हम लोग नहीं चाहते, बस इस बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, एकदम बदलाव होना ही है। और वो भैया, अगला बार तो मोदी को आप लोग के लिए अच्छा कार्य करें। अब हम लोग अब यहाँ तो जानते हैं कि पैसा का चोरे जब सब है, पलटू सरकार है, हम लोग नीतीश कुमार को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, जाके BJP में मिल गए, जो विरोध BJP से विरोधी है हम, और फिर जाके मिल गए विरोधी, मिले कि नहीं मिले? ये तेजस्वी सरकार और नीतीश गठबंधन में लड़े थे ना दोनों, अगला विधानसभा में बेगूसराय में 7 सीट और समस्तीपुर में 10 सीट, एक को सीट है BJP का नहीं, क्यों नहीं है? इसका कारण है, आप इस बार भी वही होगा, दल बदलू सरकार। हाँ, तुरंत इधर देखा तो इधर रामविलास वही हाल है। हाँ, चाबी लेकर घूम रहे थे, अभी BJP में घूम रहे हैं कि मेरा जो चाहेंगे हम करेंगे, मतलब सरकार से अपना दल बदलते रहेगी, लेकिन जनता वो अपना फायदा के लिए, अपना फायदा के लिए, गरीब को कोई फायदा देखने वाला नहीं, मोदी सरकार है बड़े आदमी को, गरीब को कोई देखने वाला नहीं, हम भूखे रोड में सुतल है लेकिन कोई देखने वाला नहीं, नहीं। आजकल मुखिया का सबको क्या काम है कि गरीब आदमी को क्या जरूरी है नहीं है, देखना चाहिए, इलेक्शन आएगा तो घोर पकड़ने के लिए जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला। पूछ लीजिए हवा वाला कितना बार दिन में कमाया, 300 जमा देगा, और कम से कम 300 मजदूरी होना चाहिए, 600, और 100 रुपया तो खा गया होगा रास्ता में, 500 नहीं कमाया होगा, 500 नहीं कमाया, हम बोले ना आपको कि 100 नहीं कमाए,
कैसा परिस्थिति आ गया इस जमाना में। हाँ एकदम होना ही है, हम लोग आगे भी वोट नहीं दिए थे बीजेपी का कट्टर रहती है, अभी भी क्या समझे, हम लोग को बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। दाल 75 रुपए किलो, दाल 75 रुपए किलो, हर सामान सब्जी 60 रुपए किलो, भिंडी सरकार चाहिए आपको। अरे सरकार देखिए जो अच्छा चलावे वो सरकार चाहिए हम लोग, युवा सरकार चाहिए, युवा सरकार, युवा सरकार को एक बार देख लेंगे, उसको भी सबको तो एक बार देखिए लिए हैं। किसी और को देना चाहते हैं? हाँ तो जब करेंगे, आगे बार भी नहीं दिए आप कांग्रेस को वोट दिए थे, इस बार भी हमारा कोई काम नहीं हुआ, नहीं वो भी हमारा विधायक था रामदेव राय मर गया, बस इस बार बिहार में बदलाव। हाँ बिहार तो बदलाव होना है, बिहार बिहार है ना, बिहार पूरा दिशा बदलेगा, अब्दुल कलाम जी कहे थे कि दिशा बदलेगा तो बिहार ही बदलेगा। हाँ बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए चाहिए। तेजस्वी के बनाएंगे, तेजस्वी यादव। हाँ तेजस्वी यादव, इस बार बिहार में बदलाव। हाँ बदलाव, क्या तेजस्वी के आने के बाद आपकी उम्मीद पूरी हो पाएंगी? हाँ हो जाएगा, हो जाएंगी। हाँ हो जाएंगी। तो तेजस्वी के पिताजी 15 साल वो भी राज किए लालू प्रसाद, तो उनके राज को तो जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज है, बाकी जंगल राज तो अब हट गए ना, तेजस्वी ना आ गए हैं, तेजस्वी आ गए हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। आप आदमी का डर बन जाता है तो डर हटा देता है, उनको पापा जी गए हैं जेल में तो आप उनको डर हो ना गया कि हम ये काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये काम अच्छा करेंगे, पब्लिक मानेगा। अब तो इस बार तेजस्वी की सरकार। हाँ आप नया चेहरा में तेजस्वी को ही देखना चाहते हैं? हाँ उनको देखना चाहते हैं। ये जो अभी सरकार जो है बन रहा है, पब्लिक दलाल के चक्कर में वोट बेच लेते हैं, दलाल के फिर पड़ जाते हैं, अब पब्लिक के बाद में कुछ आगे कुछ कहते हैं हम देंगे ये देंगे, वो कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देते हैं, जाके दलाल जाके पब्लिक से कह के वोट खरीद लेते हैं, गरीब को कुछ मिलता नहीं है, उसके बाद झाकियों मारे नहीं आता है। तो सरकार सिर्फ अमीरों को देखती है? अमीरों को देखते हैं सरकार, गरीबों को कौन देखते हैं? कोई भी नहीं, कोई नहीं। हम लोग वोट देंगे? वोट नहीं देंगे इस बार, तो नहीं देंगे। आपको उम्मीद नहीं है कि अगर कोई नया चेहरा बैठेगा तो वो शायद बिहार का विकास कर सके? नया कोई बैठेगा उसी को देंगे। तो नया तो काफी लोग उम्मीदवार हैं, नया में देखेंगे कि कौन है जो उससे बढ़िया होगा उसको देंगे। तेजस्वी यादव हो गए, रामविलास पासवान के बेटे हो गए चिराग पासवान, पप्पू यादव हो गए। हाँ लोग पप्पू यादव भी सके देंगे, वो पानी भी बांटे भी, सामान भी, खाने के घर घर तक पहुँचाए। पप्पू यादव को देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के पद के लिए? हाँ। इस बार बिहार में बदलाव, बदलाव। बिहार का भावी मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए चाचा आपके नज़र से? देखिए हमारे नज़र से हमारे से गरीब आदमी के तो कुछ नहीं दे हैं, रोड लेकर हम क्या करेंगे, गरीब आदमी कमाते हैं खाते हैं, आप मान कर चले कि नारे बनाएंगे तभी ठीक होगा, बदलाव ठीक है। बाकी नीतीश कुमार का वोट हम नहीं देंगे, नहीं, नहीं देंगे। 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या क्या विकास के कार्य? कुछ काम नहीं करे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। तो विकास के तो कार्य दिख रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, विकास के तो कार्य हो ही रहे हैं ना, तो इसे क्या होगा गरीब से लेकर क्या करेंगे हम सब? न राशन कार्ड हमारे मिला है, न कुछ अति हुआ है। आपका नाम? महेंद्र सर। तो महेंद्र चाचा आप किसे देखना चाहते हैं इस और मुख्यमंत्री के पद पे? हम के काम अभी देखे सब तो उन नेता एक ही है, तो गरीब तो कौन देखना चाहता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं। अब नीतीश कुमार इतना पैसा कम दिया है, मुखिया और सरपंच खा जाता है। पूरे भारत में लोकतंत्र है तो बिहार में भी लोकतंत्र है, तो आप अपना वोट तो देते ही होंगे? देते हैं हम, सब मिलता है, हम ही लॉकडाउन में मिला था, गांव ने क्या कुछ दिया है, मुखिया सरपंच खा गया, तब मुखिया सरपंच में एक भी रुपया आपके पास नहीं आया? नहीं एक पैसा नहीं। दबा थी क्या तो मुखिया सरपंच खा गया, मुखिया सरपंच खाया, सब खा गया पैसा। हाँ तो वो अपने हाथ बांटने थोड़ी गया है। तो क्या आप इस बार बिहार में बदलाव चाहते हैं? हम काम सब तो एक ही, गरीब तो कौन देखेगा? कोई भी नहीं, कोई नहीं देखेगा। लालू किसी से उम्मीद नहीं है? नहीं, वो हमको लालुओ होगा तो वो हमको ठेले चलाना होगा, एक पैसा हमको चाय पीने तो ले देगा, नहीं देगा। दानापुर जाते हैं लालू तो राज ने,
तो 50 रुपया रंगदारी टैक्स लगता है आ एक राज ने है अभी एक पैसा नहीं लगता है नीतीश के राज में। हाँ गुंडागर्दी एक है ना कोनो बे चल गए पीछे हो गया आ एक राज ने तो 8 बजे तो बाद गुंडागर्दी होता है लालू के राज में। हाँ तो आप इस बार भी नीतीश को ही देखना चाहेंगे? अब जिसका जो मन अभी टाइम है जकर देंगे वो मतलब कोई भी सरकार जीते कोई भी जीते हमको वैसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सरकार आपका कुछ भी नहीं कर रही कुछ नहीं। चाचा आपका नाम? हाँ रामचंद्र राम। तो रामचंद्र चाचा इस बार बिहार में विधानसभा इलेक्शन है तो कौन आना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री जो बिहार का विकास करे? बिहार का विकास करे जिसको हम बताए हम सब तो वही करता है तब कोई तो जीतने के बाद अपना रंग बदल देता है। हाँ अपना अपना रंग बदल देता है कोई नहीं देखता है बोलता है ये करेंगे वो करेंगे हम किसको बताए लेकिन सारे लोग पलट जाते सब पलट जाता है। तो आप अभी अभी तो हाँ तो देंगे नहीं हमारा वोटर लिस्ट सब कुछ है देंगे कैसे नहीं। तो आपके नजर से कौन हो जो सही काम करे बिहार के विकास के लिए आप लोग के लिए? आप लोग रिक्शा चालक हैं कितने सालों से आप लोग चला रहे हैं आप तो काफी उम्र दराज भी हैं तो आपके नजर से कौन होना चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ाए? इस साल में तो भाजपा ही दिया बहुत कुछ सामान बहुत सामान दिया है पैसा भी दिया खाता और भेजा है महंगाई है महंगाई है उससे क्या बाकी बहुत अच्छा अच्छा काम किया है लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में मेन मेन काम किया है। हाँ आप लोग के खाता में पैसा आया था? हाँ पैसा आया था काहे झूठ बोलेंगे। तो आप इस बार भी भाजपा को देखना चाहेंगे? हाँ। आपका नाम चाचा? हमारा नाम तो राजेंद्र पांडे है जी। तो राजेंद्र चाचा इस बार बिहार में विधानसभा इलेक्शन है तो आपके नजर से कौन होना चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ाए बिहार का विकास करे आप लोग के लिए अच्छा कार्य करे? जो बिहार में ऐसा बुद्धिमान है कि जो चला सकते हैं उन्हें को बनाना चाहिए और विकास होना चाहिए विकास के आगे जो रहेंगे मुख्यमंत्री उनको अच्छा उनको अति मिलेगा। तो 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं तो उनके 15 सालों के कार्यकाल में क्या विकास के कार्य हुए हैं? उनको तो अभी गरीब को लिए तो कुछ नहीं किए हैं कुछ नहीं किए हैं अब खाली पुल बना रहे हैं कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री हो करके आप कर रहे हैं तो खाली विकास विकास का मतलब क्या हुआ कि गरीब के लिए कहीं रोजगार कोई फैक्ट्री कोई कारखाना खोले तब ने वहाँ पर गरीब खट सकता है अब पुल बना रहे हैं उससे गरीब को क्या फायदा जो बड़े बड़े हैं गाड़ी वाला वही पार होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काफ़ी दावे किए हैं गरीबों को लेकर तो क्या वो दावे पेपर में ही होते हैं? दावा तो किए हैं करेंगे तब तो 15 सालों में जो दावा किया वो पूरा हुआ हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं ना। तो आपके नज़र से फिर भी इस बार विधानसभा इलेक्शन है तो कौन होना चाहिए जो चलाने लायक है सब मिल के चुनेंगे उन्हीं को रखा जाएगा नया उम्मीदवार आप चाहते हैं इस बार बिहार में बदलाव? हाँ बदलाव तो होना चाहिए सब दिन एक ही आदमी कैसे चलाएंगे तो इस बार बिहार में बदलाव? हाँ बदलाव होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि पटना में रहने वाले रिक्शा चालकों की क्या स्थिति है कि वे अपने मुख्यमंत्री से कितना परेशान हैं कितना उदास है उनके 15 सालों के कार्यकाल को लेकर तो बिहार में बस बदलाव चाहिए इनका यही मानना है कि बिहार में बदलाव चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल वेब समाचार 24x7 के साथ। और हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।